हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। दोस्तों, इस मूवी में एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ही गपागप करती है और उनके साथ संबंध बनाती है और अलग अलग पेशेंट के साथ इंटीमेट होती है, और ये काम करते हुए उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चार्लोट नेम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लैट को रेंट पर बाय कर रही होती है, और उसके बाद वो अपने बेटे को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। लेकिन स्कूल में बच्चे स्विम कर रहे होते हैं, चार्लोट उसे देखकर घर चली जाती है। वहीं नाइट में वो उसे स्टोरी और पोएम सुनाती है और वो सो जाता है। दूसरी तरफ मैक्स, जो कि चार्लोट का हस्बैंड है, उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं और वो इंटीमेट होने लगते हैं। मैक्स चार्लोट से बहुत प्यार करता है, वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि चार्लोट एक डॉक्टर है। चार्लोट वहीं पेशेंट रूम में घूम रही होती है, तभी वो एक बाल वाले आदमी को देखती है। फिर हमें उसी फ्लैट का सीन दिखाया जाता है जो चार्लोट ने रेंट पर लिया था। दरअसल चार्लोट ने वो रूम मजे करने के लिए रेंट पर लिया था। वो अलग अलग पेशेंट को उस रूम में लाती है और उनके साथ इंटीमेट होती है। यहाँ तक कि चार्लोट ने बुड्ढो को भी नहीं छोड़ा, जैसे कि वो सेक्स की दुनिया में खोई हुई है। नेक्स्ट डे चार्लोट को एक कॉलेज में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है। चार्लोट और मैक्स अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, वो एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और काफ़ी मजे करते हैं। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, लेकिन चार्लोट एक बुढ़े आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, इसी कारण वो पेरेंट्स मीटिंग में लेट हो जाती है। लेकिन मैक्स वहाँ पहले से ही होता है, उसे देखकर चार्लोट शॉक्ड हो जाती है। मैक्स चार्लोट से पूछता है कोई परेशानी हो तो शेयर कर सकती हो, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अगले दिन चार्लोट मैक्स से मिलने उसके कंस्ट्रक्शन एरिया में आती है। वो कहता है तुम जल्दी आ गई हो, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। चार्लोट मैक्स से कहती है मैं बिल्डिंग देख कर आती हूँ। वो उस बिल्डिंग में घूमती है, तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसके साथ वो रूम में इंटीमेट हुई थी। उसे देखकर वो डर जाती है। जैसे ही वो आदमी चार्लोट के पास आता है, वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसको एक पंच मार देती है। चार्लोट उसे सॉरी कहती है, लेकिन वो फिर से उसे पंच मार देती है और बेहोश हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स को चार्लोट के बारे में सब पता चल गया है कि वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। इसी के चलते अब मैक्स चार्लोट पर ट्रस्ट नहीं करता और उनमें दूरियां भी हो जाती हैं। चार्लोट एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो उसे पूरी बात बताती है। अगले दिन चार्लोट और मैक्स दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। वो डॉक्टर चार्लोट से पूछती है कि तुम्हें मैक्स और उन गैर मर्दों में क्या डिफरेंट फील हुआ। वो कहती है ऐसा कुछ खास नहीं है, मुझे उनका छूना पसंद है। डॉक्टर चार्लोट से कहती है कि तुम्हें मैक्स का छूना पसंद नहीं है। चार्लोट कहती है मैक्स अट्रैक्टिव है, हैंडसम है और बहुत केयरिंग है, मुझे मैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्लोट कहती है मुझे उनका छूना पसंद आया है। वो डॉक्टर कहती है कि उनमें से तुम्हें किसी की शक्ल याद है। चार्लोट कहती है नहीं, मुझे किसी की शक्ल याद नहीं है, बस मैंने उन्हें छुआ है, एक बाल वाले आदमी को, लंबी नाक वाले आदमी को और एक बुढ़े आदमी को। तभी डॉक्टर कहती है कि तुमने जितनों के साथ सेक्स किया है वो सभी पेशेंट ही हैं, ऐसा क्यों। चार्लोट कहती है मैं ये नहीं बता सकती, अगर मैंने ये बताया तो हालात और बिगड़ जाएंगी। इसके बाद चार्लोट काफ़ी सैड हो जाती है। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां चार्लोट को दोषी ठहराया जाता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने अपने पेशेंट के साथ ऐसा किया। लेकिन कोर्ट को पता लगता है कि चार्लोट मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो उसका लाइसेंस भी रद्द कर देते हैं। अब मैक्स और चार्लोट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, मैक्स चार्लोट से ज़्यादा बात नहीं करता है। उसके बाद 2 साल बाद इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्लोट के ट्विन बेबी हो जाते हैं। चार्लोट मैक्स के कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर आती है, जहाँ वो एक वर्कर से बात करती है। लेकिन मैक्स को शक होता है कि चार्लोट फिर से गैर मर्दों के साथ संबंध बना रही है। अगले दिन चार्लोट शॉपिंग पर जाती है और उसी रात चार्लोट मैक्स से इंटीमेट होने का ट्राई करती है, लेकिन मैक्स इसका हाथ पकड़ लेता है। चार्लोट बहुत सैड होती है। अगले दिन चार्लोट फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है, लेकिन वहाँ पर काम खत्म हो चुका था, वहाँ अब कोई वर्कर ना कोई आदमी था। चार्लोट ऊपर जाती है और वहाँ खुद को फील करती है। तभी मैक्स घर आ जाता है, वो अपनी नौकरानी से पूछता है कि चार्लोट डेली सुबह कहीं जाती है, तो वो हाँ कहती है, हाँ वो हर रोज घूमने जाती हैं। उसी रात मैक्स और चार्लोट इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो चार्लोट अपनी आईज क्लोज कर लेती है। मैक्स को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे चार्लोट फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है, तो मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स चार्लोट का पीछा करते करते बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि चार्लोट किसी गैर मर्द के साथ नहीं बल्कि अपनी यादों को याद कर रही है। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैक्स और चार्लोट फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं और काफ़ी टाइम एक्सपेंड करते हैं। नाइट में वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मैक्स और चार्लोट के बीच सब ठीक हो गया था।
नेक्स्ट डे वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं जहाँ उन दोनों को खुश दिखाया जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो।